हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे हिंदी का एक और नया वर्ण। आपको पता है ये कौन सा वर्ण है? ये है ट। ट से टमाटर। ये हम आज इस बुक में कैसे ट्रेस करेंगे, कैसे कहाँ से कहाँ कैसे लिखेंगे, कौन सी लाइन में लिखेंगे, वो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ट से क्या हो, ये कौन सा वर्ण है? ये है ट से टमाटर। तो आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप पहले ट्रेसिंग करेंगे, फिर बिना ट्रेसिंग की मदद से यहाँ पे लिखेंगे कि हम कैसे ट लिखते हैं। सो लुक हियर, देखो हमारे पास यहाँ पे फाइव लाइन्स है, 1 2 3 4 5। फाइव लाइन्स है, उसमें जो बीच वाली थ्री लाइन है वो ब्लैक कलर की है और ऊपर और नीचे की लाइन है वो रेड कलर की। हमें ये ट स्टार्ट करना है ये ब्लैक वाली लाइन से। तो पहले हम यहाँ से ब्लैक वाली लाइन से करेंगे एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन और नीचे के यहाँ से ये लेफ्ट कर्व लेंगे, फिर वापस थर्ड स्टेप है स्टैंडिंग लाइन कर्व, जो थर्ड वाली ब्लैक लाइन को टच किया ऊपर लेंगे, वापस स्टैंडिंग लाइन कर्व अप ले गए और ऊपर जो ब्लैक लाइन है फर्स्ट वाले उसके ऊपर स्लिपिंग लाइन। अब देखो, अब यहाँ पे हम ऐसे ही एक लाइन ट्रेस करेंगे। देखो पहले हम करेंगे एक स्टैंडिंग लाइन कर्व अप स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन कर्व अप स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन कर्व अप स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन कर्व अप स्लिपिंग लाइन। ये बन गया हमारा ट, ट से टमाटर। अब हम यहाँ पे बिना ट्रेसिंग की मदद से करेंगे स्टैंडिंग लाइन कर्व, फिर यहाँ से अप ले गए और फिर यहाँ पे स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन कर्व अप स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन कर्व यहाँ पे टच करके अप ले गए और स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन कर्व अप ले गए यहाँ पे स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन कर्व यहाँ से अप ले गए स्लिपिंग लाइन। ये बन गया हमारा ट से टमाटर। सो आपको अपने बुक में पहले ट्रेसिंग के लिए जो लाइंस दी गई है वो ट्रेस करना है और फिर बिना ट्रेसिंग की मदद से लिखना है। थैंक यू।